आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत लंबी डूंगरी, पंचायत समिति सलुम्बर, जिला उदयपुर। पंचायत समिति सलुम्बर से वार्ड नंबर 20 के पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस पार्टी से श्रीमती रमीला देवी मीणा वे प्रतिनिधि उदयलाल जी मीणा से सीधी बातचीत में उन्होंने बताया कि किसानों के लिए अहम कदम उठाए जाएंगे और साथ ही शिक्षा के स्तर में भी पर्याप्त सुधार किए जाएंगे। तो आइए सुनते हैं किशन सोलंकी के साथ खास मुलाकात में प्रतिनिधि उदयलाल मीणा के अपने कार्य क्षेत्र में विकास के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत लंबी डूंगरी, जिनके पंचायत समिति सलुम्बर पंचायत समिति सदस्य है जो कांग्रेस के प्रत्याशी है रमीला जी मीणा, और उनके प्रतिनिधि है उदयलाल जी मीणा। उनसे मुलाकात करते हैं कि उन्होंने जो ये कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार अपनी धर्मपत्नी को खड़ा किया है, तो उनके ऐसे क्या विचार और क्या मुद्दे हैं ग्राम पंचायत के प्रति जिनको वो सफल करवाना चाहते हैं। तो उदयलाल जी नमस्कार। उदयलाल जी, जो अभी आपने अपने धर्मपत्नी को उम्मीदवार करा है कांग्रेस के, तो आपके ऐसे क्या मुद्दे क्या मसले हैं, किस उद्देश्य को लेकर आप चुनाव लड़ा? सर, मैं आज से जुड़ा होगा। इससे पहले सर मेरी मदर 5 साल पंचायत समिति सदस्य रह चुकी है। सर, मैं 2015 में मेरी सिस्टर बहुत कम वोटों से 129 वोटों से मतदान से मतलब हारी गई, ठीक है सर। उसके बाद इस टाइम में मेरे को पार्टी वालों ने टिकट दी है, और मैंने भी गांव में आसपास से एरियो में मैंने कहा मेरे जो मैं जीत गया, छोटे मोटे रोड के काम हैं, छोटे मोटे मंदिरों के काम हैं, बाउंड्री के काम हैं, कहाँ हेडोन की व्यवस्था है, ये मैं जरूर करवाऊँगा। तो उदयलाल जी, आप अभी जो फील्ड वर्क कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके अंदर आप अपना जो भी मान लो क्षेत्र आ रहा है उसके अंदर आप घूमे हैं, दो ग्राम पंचायत हैं चाहे 3 आ रही है, उनके अंदर घूम रहे हो प्रचार प्रसार के, तो आपको ऐसी मेजर कमी क्या नज़र आ रही है जिसको आप, अगर जनता आपको मौका देती है, और मेजर कमी ऐसी क्या है जिसको आप पहले? सर, मेरे को अभी मेरे गांव से भी सहयोग बहुत बढ़िया मिल रहा है। मेरे वार्ड नंबर 3 से मेरे पंचायत लाभ डूंगरी से मेरे वार्ड नंबर 3 से मेरे मतलब वार्ड सदस्य मुकेश मीणा भी मेरे साथ में है, और मेरे गांव के सरपंच नगर पंचायत के सरपंच भी मेरे साथ है, और ग्राम पंचायत 12 के बरोड़ा के सरपंच 2 वार्ड मेरे साथ है, और साथ मेरे साथ है वहाँ के सरपंच भी मेरे साथ में है। लगभग मेरा अंतर 15। लेकिन इनका मेजर आपको कमियां क्या नज़र आई जिनको आप पहले प्राथमिकता दे, जैसे जो रोड है या कोई पेयजल की है, इस अपने जो कार्य क्षेत्र है आपका, इसके अंदर मैं ऐसी क्या विकास कमी है जिसको आप पहले प्राथमिकता दें? सर, मेरे ज़्यादातर यूँ समस्या है कि मेरे जो डगर गांव से लाभी डुंगरी आने के लिए वहाँ एक छोटा सा मतलब खड़ा है 40 घर का, अब अजी उससे मतलब जाने के लिए मान लेते रोड मेन रोड की वहाँ बहुत 6% भी वादा किया था, क्योंकि वहाँ स्कूल जाते लोग मतलब बरसात के टाइम में इतने किसी से वो निकल नहीं सकते, इस टाइम में सरपंच ने भी वादा किया वो सारा सफल नहीं हुआ। अब की बार मैंने वादा किया मैं जीत गया कि रोड मैंने एक महीने में या पी रूपी से कराऊंगा या पंचायत से भी कराऊंगा, मैं रोड में कराऊंगा। बहुत ही अच्छा सुझाव है आपका कि जो भी वंचित विकास है उनको करवाना उनका मेन उद्देश्य रहेगा, और सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजना आती है तो वो ये जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेगी। तो उदयलाल जी, ये अपने ये हैं जो क्षेत्र है ये किसान वर्ग, यहाँ किसान लोग ज़्यादा हम लोग खेती कर रहे हैं, तो आपको किसानों के प्रति आपकी क्या सुझाव, क्या योजना लाओगे क्या? सब किसान के लिए मैंने यूँ पहले से भी बता दिया है, अभी प्रसार में बता रहा हूँ मैं, जो जितनी कहाँ किसान की फसल नष्ट होने को जितनी सूट मिलते वो हम दिलाने का कष्ट करेंगे टाइम से, और जो मतलब खाद पीते जो हमारा सहयोग होगा हम करेंगे। किसानों के हित में जो भी किसी भी परेशानी का अगर सामना करना पड़ा तो ये तत्पर रहेंगे। बहुत ही अच्छा सुझाव है उदयलाल जी। उदयलाल जी, अपने इस क्षेत्र के अंदर हमने देखा है आप भी यहाँ रह रहे शिक्षा का अभाव बहुत ही बिल्कुल लो कैटेगरी में, शिक्षा के प्रति आपका क्या रखा? सर, मेरे शिक्षा जो छोटी मोटी शिक्षा विद्यालय नाम से भी लगा के मैंने मेरे वार्ड नंबर 3 में लाभी डुंगरी बी करके स्कूल है विद्यालय, उसकी बाउंड्री आज मेरे गांव मेरे सरपंच भी मेरे पास नहीं रहता है, वो भी मेरे भाई है, वो बाउंड्री नहीं हो चुकी। मैंने वादा किया मैं जीत गया 4 या 6 महीने अंदर वो बाउंड्री मैं करवाऊंगा। बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि जो आपकी आपने चारदीवारी का कहा है वो भी बहुत बढ़िया सुझाव है कि अगर जनता आपको मौका देती है, जनता आपको इस पद पर
लाती है तो बिल्कुल आप पहले उसी कार्यों को प्राथमिकता दोगे जो जिन जिन कार्यों का आपने जनता से वादे किए। तो सर एक और सवाल है आपका कि आपको नशे की जैसे नशा मुक्ति के लिए आपके क्या प्रयास? सर मेरे नशे के लिए मेरे पहले से भी यही है, मतलब मैं इस पार्टी से जुड़ा तब से भी यही है कि मेरे आसपास के एरिया में नशे नमक की दुकान मतलब दारू नमक वो मेरे नवीक मंडल बंदे से और मेरे गांव के मतलब जिस चीज़ में उनसे दूर करवाना चाहता हूँ। मेरे गांव में भी छोटी मोटी दुकान है वो भी मैं मतलब ये मतलब दूर करवाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा सुझाव है कि ग्राम पंचायतों में नशा मुक्त बनवाना इनका प्रथम उद्देश्य रहेगा। तो उदयलाल जी जैसे अभी आपके साथ युवा खड़े हैं, हाँ जी युवा आपके साथ चल रहे हैं, आप भी ऊर्जावान हो युवा हो, तो आपके युवाओं के प्रति जैसे युवा है जो बेरोजगार इनके प्रति आपका क्या? सर मेरा तो वही है पहले से भी, मैं भी कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहा हूँ जी। हाँ सर मेरा यही रुझान है, मैं जीत गया छोटे मोटे मतलब रोजगार गारंटी के भी काम हो कहाँ कोई हो बोले कोई दसवीं पास भी हो बोले 100 दिन करवा के किसी विभाग में भी मतलब अभी किसी विभाग में भर्ती ले नहीं रही, TW में नहीं ले रहे, एरिक्शन में भी नहीं ले रही। सरकार का यो नुकसान मतलब यो हो सके कि 100 दिन हो जाए किसी को मतलब किसने परमानेंट कर दे, तो मेरा वही रुझान है कि उनको 10वीं पास है 12वीं पास है उनको मैं एरिक्शन या PW में मतलब सकता हूँ। बहुत अच्छा सुझाव है, युवाओं के प्रति इनकी अच्छी सोच है कि युवाओं को जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं और उनको रोजगार दिलवाने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा इनका। तो RPD न्यूज़ के अंदर आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर।